हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में है, कुछ इस तरह की इनकी हथेली की शेप जो यहाँ पर इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं, मीडियम साइज फिंगर्स हैं और फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं काफी क्लियरली नजर आ रही हैं। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा होती हैं उतनी व्यक्ति की जो नेचर होती है वो मिलनसार होती है, ऐसे व्यक्ति तहजीब वाले होते हैं, ऐसे नेटिव दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। और दूसरी चीज जो अच्छी है इनकी फिंगर्स में वो है इन फिंगर्स का आपस में सटा हुआ होना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फिंगर्स बिल्कुल भी गैप्स शो नहीं कर रही हैं, आपस में कंप्लीटली सटी हुई फिंगर्स हैं। इस तरह की फिंगर्स जिनकी होती हैं ऐसे नेटिव धन के मामले में लकी होते हैं, धन की अहमियत को समझते हैं और धन को अननेसेसरीली खर्च नहीं करते और एक इकोनॉमिक वे से अपने धन को संग्रह करते हैं, अपने धन को अकुमुलेट करते हैं। आगे आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की लंबाई को, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो बृहस्पति फिंगर है अच्छी लंबाई में है, लेकिन साथ ही साथ यह बृहस्पति फिंगर थोड़ी सी झुक रही है शनि फिंगर की तरफ, इस तरह से टिल्टेशन इस फिंगर की। और लंबाई में अगर इस फिंगर को मैं देखूं तो यह इनकी इस सूर्य फिंगर से ज्यादा लंबी है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव काफी नॉलेजेबल होंगे, ज्ञानवान पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की होती है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति का खास झुकाव हो सकता है। और जब भी कोई फिंगर शनि की फिंगर की तरफ झुके तो ऐसे व्यक्ति मिडल एज के बाद काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड हो सकते हैं, थोड़ी सी वैराग्य की भावना आइसोलेशन जैसी फीलिंग ऐसे व्यक्ति के माइंड में आ सकती है। अदरवाइज यहाँ पर जो इनकी इंडेक्स फिंगर इंडिकेट कर रही है काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज को, उसी के साथ साथ काफी अच्छी नॉलेज और थोड़ी सी ईगोइस्टिक नेचर जो यहाँ पर इन सभी क्वालिटीज के साथ व्यक्ति को मिलती है जब बृहस्पति फिंगर की लंबाई अच्छी हो। शनि फिंगर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर कोई भी कमी मुझे शनि फिंगर में नजर नहीं आ रही। शनि फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव काफी हार्ड वर्किंग नेचर के रहेंगे, एक अच्छी लाइफ, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, रूल्स को फॉलो करने वाली लाइफ जीते हैं ऐसे लोग। और शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, थिकनेस में होना व्यक्ति के लिए लाभदायक रहता है, ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर लाइफ में काफी अच्छे मुकाम तक पहुंच जाता है। सूर्य फिंगर की यहां पर बात की जाए तो सूर्य फिंगर भी हल्का सा झुकाव ले रही है शनि फिंगर की तरफ, लेकिन एक मीडियम लेंथ की फिंगर है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो सोशल सर्कल है इनका एक एवरेज लेवल का रहेगा। और सूर्य फिंगर का मीडियम लेंथ में होना क्रिएटिविटीज को भी यहाँ पर थोड़ा सा लिमिट करता है, सोशल सर्कल को लिमिट करता है। अगर सूर्य फिंगर ज्यादा लंबाई में होती है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ सूर्य की जो क्वालिटीज हैं उनमें कमी रहने की संभावना आ जाती है। चलिए आगे चेक करते हैं इनकी मर्करी फिंगर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो मर्करी फिंगर है हल्की सी लो सेट हो रही है और साथ ही साथ सूर्य फिंगर का जो फर्स्ट फैलेंज है वहां से थोड़ा नीचे रह रही है। यहाँ पर यह सूर्य फिंगर का फर्स्ट फैलेंज है और इवन यहाँ पर थोड़ा सा लो सेट हो। मर्करी फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहते हैं ऐसे नेटिव के, अगर मर्करी फिंगर लंबाई में अच्छी हो। और उसके साथ साथ बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है, लेकिन जो कमी आती है वो आती है
हेजिटेशन वाली वीकनेस व्यक्ति के भीतर। ऐसे व्यक्ति थोड़े से शाई नेचर के हो सकते हैं और जल्दी ओपन अप नहीं होते औरों के साथ, इवन स्ट्रेंजर्स के साथ तो बड़ी मुश्किल होती है ओपन अप होने में। अदरवाइज कोई मेजर इशू यहां पर मुझे इनके मर्करी फिंगर से भी नजर नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को भी यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन एक बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका गुरु माउंट काफी प्रोमिनेंट है, शनि माउंट अच्छा है, इवन सूर्य माउंट में भी कोई कमी नहीं है। जो हल्का सा लो सेट हो रहे हैं ये दोनों माउंट्स, वही एक थोड़ी सी वीकनेस है। अदरवाइज ये चारों माउंट अगर देखा जाए तो प्रोमिनेंट और उभरे हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होता है जब माउंट्स प्रोमिनेंट होते हैं, उभरे हुए होते हैं, तो इनके क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति माउंट की बात करते हैं। जो इंडेक्स फिंगर के नीचे का यह एरिया जो मैंने सर्कल किया है, इसको गुरु माउंट या बृहस्पति माउंट कहा जाता है। जब यह माउंट ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति की नॉलेज काफी अच्छी होती है। नॉलेजेबल यानी कि ज्ञानवान पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की होती है, और ऐसा नेटिव अच्छी नॉलेज गेन करता है, वो भी खासतौर पर स्पिरिचुअल टाइप की नॉलेज। यहां पर नॉलेज से मेरा मीनिंग स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस से मिलने वाली विद्या से नहीं है, वो भी अहमियत रखती हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यवहारिक नॉलेज होती है, जो विजडम या जिसको हम समझ कहते हैं, वो ऐसे नेटिव की बहुत अच्छी होती है। उसी के साथ साथ इस माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को ज्ञान के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है। और इसी माउंट के ऊपर अगर कोई रेखा नीचे से चलकर, जैसे आप यहां से देख सकते हैं ऐसी रेखा, जिसको हम लाइन ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं, ऐसी प्रोग्रेस लाइन, अगर एक लाइन भी ऐसी नजर आ रही है तो यह भी प्रोग्रेस को इंडिकेट करती है। कुछ लोगों के तो यहाँ पर दो से तीन रेखाएं भी होती हैं, जैसे यहाँ पर एक और रेखा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रोग्रेस लाइंस हैं। इस तरह की रेखाएं लाइफ लाइन से निकलकर बृहस्पति माउंट की तरफ बढ़े तो यह व्यक्ति को लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं शनि माउंट की तरफ। आप देख सकते हैं शनि माउंट का जो एरिया है यहाँ पर हल्का सा दब रहा है, अगर हम कंपेयर करें बृहस्पति माउंट के साथ। अदरवाइज यह वीक नहीं है, माउंट अच्छा है, जिस वजह से लाइफ में कंफर्ट्स रहेंगे। लेकिन अगर शनि रेखा भी अच्छी रेखा हो हाथ में, तब व्यक्ति को सब चीजें बिना मेहनत के मिलती हैं। लेकिन अगर शनि रेखा वीक हो जाए या माउंट दब जाए, दोनों में से कोई भी एक कमी हाथ में आ जाए, तो व्यक्ति को लाइफ में काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं शनि रेखा की जो पोजीशन है यहां पर, कुछ इस तरह से एक हल्की शनि रेखा जो यहां पर भी मुझे कुछ हल्की सी नजर आ रही है, और इवन यहां पर भी इस तरह से एक बहुत ही बारीक शनि रेखा भाग्य रेखा के हाथ में नजर आ रही है, जो इंडिकेट कर रही है कि इन्हें लाइफ में कई बार अप्स एंड डाउन्स का भी सामना करना पड़ेगा और अपने कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब जब शनि रेखा में ब्रेक आता है तब कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें भी इंसान को आती हैं और स्ट्रगल भी करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर 36 के आसपास की एज से काफी अच्छे फाइनेंसिस होते हुए यहाँ से ये रेखा स्ट्रेंथ ले रही है, और उसके बाद 55 की एज तक एक अच्छा फाइनेंशियल पीरियड इनकी लाइफ में रहेगा। उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है, और उसके बाद 62 की एज के बाद फिर से फाइनेंसिस बहुत अच्छे होते हुए इस तरह की इनकी शनि रेखा यहाँ पर कुछ सिम्टम्स दिखला रही है। आगे बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट को, सूर्य माउंट का जो एरिया है यहाँ पर प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ है, लेकिन एक लंबी सूर्य रेखा का अभाव मुझे नजर आ रहा, बहुत ही हल्की सी सूर्य रेखा यहाँ पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो एक रिकॉग्निशन है सोसाइटी में वो तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा यश या फेम की हम बात करें वो यहाँ पर मुझे मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं इनके मर्करी माउंट की तरफ। मर्करी माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होती है, कैलकुलेशंस अच्छी होती हैं, और ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर खड़ी रेखाएं मर्करी माउंट पर हो, बिजनेस करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। यह बात अलग है कि ऐसा व्यक्ति लाइफ में बिजनेस करे या ना करे, ये उसका खुद का डिसीजन रहेगा, लेकिन कैपेबिलिटी ऐसी रहती है कि ऐसा व्यक्ति कैलकुलेटिव होता है, हर चीज में सोच समझ कर खर्च करता है। इस तरह की क्वालिटीज नेटिव के भीतर आ जाती हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी मर्करी लाइन थोड़ी सी वीक होती हुई, इस तरह की मर्करी लाइन कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देती हैं, डाइजेशन संबंधी दिक्कतों का नेटिव को सामना करना पड़ता है अगर गैप आ जाए मर्करी लाइन के बीच में।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट को। आप देख सकते हैं यहां पर इनकी हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से एक विष्णु सिंबल क्रिएट करती हुई, इस तरह का चिन्ह जिसको वी सिंबल कहा जाता है, काफी लकी माना जाता है। जिनकी भी हथेली पर ऐसा चिन्ह बनता है उनपे भगवान विष्णु की खास कृपा मानी जाती है। और ऐसे नेटिव अगर सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा से इनके सभी काम बनते हैं और लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस यह पा लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चल पड़े और शॉर्टकट से, अनफेयर मीन से पैसा कमाने की कोशिश करें, तो लाइफ में दिक्कतें ही दिक्कतें इंसान के आने की संभावना बढ़ जाती है। ओवरऑल हार्ट की जो लाइन है काफी अच्छी नजर आ रही है, कोई मेजर इशू यहाँ पर हार्ट की लाइन पर नजर नहीं आ रहा। कुछ हल्की सी वीकनेस यहाँ पर 65 के आसपास की एज में रह सकती है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी हार्ट की रेखा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आगे आप देख सकते हैं इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन यहाँ पर आप अगर देखोगे तो बिल्कुल अलग होकर चल रही है इनकी लाइफ लाइन से, एक बड़ा गैप शो कर रही है। इस तरह का गैप व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है। ऐसे नेटिव इंडिपेंडेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की काफी अच्छी क्षमता इनके भीतर होती है और थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। इस तरह की रेखा होने से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली पर्सनैलिटी व्यक्ति की बन जाती है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोटी एज से ही आने भी शुरू हो जाती हैं, या ये फिर खुद आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लगते हैं। इसके साथ साथ थोड़ी सी जिद्दी टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की हो सकती है, रिबेलियन टाइप की नेचर रहने की संभावना भी रहती है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इस रेखा का बिल्कुल स्ट्रेट होना और हल्का सा झुकाव थोड़ा सा ओवर इमेजिनेशन दे सकता है, अदरवाइज माइंड अच्छा रहेगा। माइंड की लाइन पे कोई मेजर फ्लिक्शन नहीं है, कुछ हल्की रेखाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं, टच कर रही हैं, जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस इन्हें दे सकती हैं, लेकिन कोई मेजर इशू माइंड की लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। लाइफ की लाइन की लंबाई अगर देखी जाए तो 80 के आसपास की एज यहाँ पर इनकी लाइफ की लाइन इंडिकेट कर रही है, काफी अच्छी और लंबी इनकी लाइफ की लाइन इस तरह की। और इस लाइन से ही एक ब्रांच निकलकर बाहर की तरफ चलती हुई, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस लाइफ में कई बार इन्हें मिलेंगे, जिसका कारण यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह की अपवर्ड जाने वाली रेखाएं चंद्र माउंट के ऊपर नजर आ रही हैं। विदेश यात्राएं रहेंगी इनकी लाइफ में, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो मेन इनकी रेखा है लाइफ की वो वापस पीछे की तरफ मुड़ रही है। थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत इनको रह सकती है, जिसका रीजन यहाँ पर ऐसी रेखाओं का होना, जितनी ज्यादा रेखाएं ऐसी व्यक्ति के हाथ में होती हैं उतनी एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम ऐसे नेटिव को टॉलरेट करनी पड़ती है। और अगर देखा जाए इनके शुक्र माउंट पर, शुक्र माउंट काफी प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ है, थोड़ी खचीली पर्सनैलिटी भी हो सकती है इनकी, और काफी ज्यादा रेखाएं, चाहे सीधी खड़ी रेखाएं हो या आड़ी रेखाएं हो, जितनी ज्यादा रेखाएं इस माउंट के ऊपर होती हैं उतनी वरीज। सीधी खड़ी रेखाएं कुछ स्टेटस भी व्यक्ति को देती हैं, खर्चीला भी बनाती हैं। ओवरऑल हर तरह की लग्जरीज इनको मिल जाएंगी, लेकिन फैमिली लाइफ से रिलेटेड थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना इनको लाइफ में करना पड़ सकता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।